हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की राय भी देते हैं। आज स्टॉक मार्केट में फिर अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है, जो ब्लू चिप कंपनीज़ में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले कुछ मंथ्स की वॉलेटिलिटी के बाद अब स्टॉक मार्केट में कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। तो हमने आपको पहले ही बोला था, जब मार्केट वॉलेटाइल है तो ये एक मौका होता है आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक करने का, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल शो करती है तो ये मौका नहीं देती है कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक करें। तो आइए आज बात करते हैं बजाज ऑटो के स्टॉक की। इस स्टॉक में भी आज तेज़ी देखने को मिल गई है, 1.83% की रैली हुई है। ये स्टॉक 3,985 रुपीज़ पर क्लोज हो गया है। तो आइए जान लेते हैं आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रहेंगे, आजकल इस स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, सारे ट्रेंड्स एक एक करके चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल SMII पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है हमारे देश की लार्ज कैप कंपनी है, लास्ट 5 डेज में भी इस स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है, अच्छा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। 3.44% की रैली लास्ट 5 डेज में देखने को मिल चुकी है। 1 मंथ का डाटा देखें और भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 10.21% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको पता है आजकल ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल चुकी है और ये जो लार्ज कैप कंपनी है ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल शो कर रही है। यदि इसका 6 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मार्केट में वॉलेटिलिटी के बाद इस स्टॉक ने जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और इस कंपनी के बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। छोटी छोटी करेक्शंस के बाद इस स्टॉक में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला है। नियरली 16% की रैली इस स्टॉक में 6 मंथ में देखने को मिलेगी। 1 ईयर में इतने खास ट्रेंड्स नहीं है, 2.63% की रैली है, लेकिन लोअर सपोर्ट लेवल से अब इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। आइए बात करते हैं लास्ट 5 इयर्स की। 5 इयर्स में और भी बढ़िया रिटर्न्स हैं, 41% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यदि इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे जरूर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 1384% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.15 लाख करोड़ का है। PE रेशियो इसका 18.69 का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा देती है, 3.51% का डिविडेंड यील्ड ये जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दे देती है। तो आइए इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसके जून क्वार्टर के नंबर्स तो नहीं आए हैं। आइए देख लेते हैं कि इसके अप्रैल मार्च क्वार्टर के नंबर्स किस तरह के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबको पता है बजाज ऑटो के बारे में, ये एक मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पुणे बेस्ड कंपनी है, मोटरसाइकिल स्कूटर्स ऑटो रिक्शा बजाज बनाती है। तो ये जो कंपनी है आप देख सकते हो 2 व्हीलर एंड मेनली 3 व्हीलर सेक्टर में काम करती है। तो आइए इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स देख लेते हैं। मार्च 22 के नंबर्स इतने बढ़िया नहीं रहे थे, नियरली आप कह सकते हो एक तरह से फ्लैट ट्रेंड ही देखने को मिला था। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि आजकल इस स्टॉक में क्या चल रहा है और इसके टारगेट क्या रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सिस सिक्योरिटीज इस पर बहुत ही ब्यूलिश है, बहुत ही पॉजिटिव है। उनका कहना है ये जो स्टॉक है आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देता दिख सकता है। तो ये जो कंपनी है आपको 4,230 के लेवल पर दिख सकती है एज पर द एक्सिस सिक्योरिटीज। तो एक्सिस सिक्योरिटीज इस पर बाई कॉल दे रहे हैं। तो आइए इसका टाइम पीरियड भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से आप देख सकते हो बजाज ऑटो पे बाई की कॉल दे दी गई है और इसका जो टारगेट प्राइस है 4,230 का है। एंड यदि इसका हम टाइम पीरियड देखें तो नेक्स्ट 4 वीक्स में ये जो कंपनी है अपने टारगेट लेवल को हिट करती दिख सकती है। तो टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है, टेक्निकली ब्यूलिश रिवर्सल देखने को मिल चुका है। जैसे हमने आपको पहले ही चार्ट में दिखाया है, ये जो स्टॉक है अपने कंसोलिडेशन रेंज से बाहर आ चुका है। अब ये जो स्टॉक है क्लियरली 1 डायरेक्शनल पॉजिटिव मोमेंटम शो करता आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है,
और इस कंपनी के फाइनेंशियल हम आपको बता चुके हैं, जो इसके मार्च क्वार्टर के नंबर्स थे इतने बढ़िया नहीं रहे थे, तो इसकी जो टोटल इनकम है आप देख सकते हो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिड्यूस हुई थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस होते दिखे थे। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप इसका जो नेट प्रॉफिट है पैट है दैट वॉज 1464 करोड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कंपनी ने मुनाफा जरूर अच्छा कमाया हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग देखो, FIIs की होल्डिंग देखो, DIIs की होल्डिंग देखो, तो इस कंपनी की शेयर होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, मिक्स है, और FIIs और DIIs भी इस कंपनी में अच्छा पैसा जो है वो लगा रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी में एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी, ये जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बाई बैक भी देने जा रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसके कारण भी इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो ये जो कंपनी है अब टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रही है, टेक्निकल लेवल इस कंपनी में बहुत ही पॉजिटिव जो है इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसके जो टारगेट हैं आप देख सकते हो 1 मंथ के 4230 के रह सकते हैं। तो टेक्निकली जरूर इस स्टॉक में आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आजकल ये जो स्टॉक है बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको मिल सकता है। ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो लास्ट वॉलेटिलिटी में भी अच्छी रैली शो कर रहा है, तो ये एक मौका है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी आपको लोअर वैल्यूएशंस पे मिल सकते हैं, तो इस स्टॉक में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो ये स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुकी हैं, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं इस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। आइए इसके कुछ और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ऑटो सेक्टर में काम करती है, 2 और 3 व्हीलर्स बनाने का काम करती है। यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी हम स्ट्रेंथ देखें तो देयर इज ए ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इसके जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है और इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल चुकी है। मार्केट कैप हम इसका आपको बता चुके हैं, आइए इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। TTM PE रेशो चेक करें 18.70 की चल रही है, तो सेक्टर की PE रेशो 25 की चल रही है, तो सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी ये जो स्टॉक है डिस्काउंट पे मिल सकता है, तो ये आपको जरूर नोट कर लेना चाहिए। ये कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है, ऑटो सेक्टर में भी आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। तो ये जो कंपनी है ये आपको सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल सकती है, तो इसलिए हम आपको यही राय देंगे कि आप इस स्टॉक में सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो हिट्स रिकॉर्ड हाई अहेड ऑफ द जून क्वार्टर अर्निंग्स। तो जून में जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है उसके पॉजिटिव ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि जो ऑटो कंपनीज है वहाँ पे पॉजिटिव डाटा देखने को मिल रहा है, उनकी सेल्स भी इंक्रीज हुई है और जो ऑटो कंपनीज हैं उनसे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, क्योंकि इनके जो नंबर्स आएंगे वहाँ पे जरूर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, टॉप लाइन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, मार्जिन भी आपको इम्प्रूव होते दिख सकते हैं। तो इसीलिए ही बजाज ऑटो पे बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की जा रही है, क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, BSE इंडेक्स में भी है इसका नाम, तो इसीलिए इस स्टॉक पे भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो आज भी सारे ही ऑटो जो स्टॉक्स थे वहाँ पे पॉजिटिव टारगेट देखने को मिले हैं, वहाँ पे पॉजिटिव रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा मोटर्स, अमारा राजा बैटरीज, भारत फोर्स, ये आपको 2% से भी ज़्यादा राइज होते दिखे हैं। MRF देख लो, बजाज ऑटो है, TVS मोटर्स है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, हीरो मोटर कॉर्प है और अशोक लेलैंड है। यहाँ पे भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इसका जो क्यों तेज़ी देखने को मिली है, दिस इज शोइंग दैट द निफ्टी ऑटो इंडेक्स हैज़ बिन रैलिंग टू ए रिकॉर्ड हाई ऑन जून 18 अहेड ऑफ द जून क्वार्टर अर्निंग्स एंड द मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट द फ्यूचर आउटलुक। सारी ही ऑटो कंपनीज में बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है, इसीलिए ही अर्निंग से पहले इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, क्योंकि बाद में यदि नंबर्स पॉजिटिव आ गए तो ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भागेंगे, तो इसलिए उस टाइम इन कंपनीज को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होगा।
तो आज देख सकते हो इंट्राडे में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। इस निफ्टी ऑटो इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है, रिकॉर्ड हाई बनाया है, लेकिन उसके बाद कुछ सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है फ्रॉम द हायर लेवल्स। तो ये एक नेचुरल बात है, क्योंकि जैसे आपको पता है कोरोना के कारण जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगा था। तो सेल्स वॉल्यूम डाउन हुए थे, लॉकडाउन हो गया था, तो इस कंपनी की अब रिकवरी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे ओपनिंग अप हो रही है तो ऑटो इंडेक्स में भी ओपनिंग जो है देखने को मिल रही है, रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आइए लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पैटर्न देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू का 5 ईयर का ग्रोथ पैटर्न देख लेते हैं। तो 18 से लेके 2022 का रेवेन्यू का ग्रोथ पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पॉजिटिव है। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का लॉन्ग टर्म का ग्रोथ पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। 18th के कंपैरेटिवली 22 में अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिली हुई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, मिक्स है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो FIIs आप इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की जो स्टेटमेंट है वो सेलिंग शो कर रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। इस स्टॉक में आप नेक्स्ट 1 मंथ में 4230 के लेवल का टारगेट लेके पोजीशन बना सकते हो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स भी देता दिख सकता है। सो थैंक्स अगेन, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया।